नमस्कार। काई स्क्वायर के बारे में आज हम आपसे दो बातों के बारे दो चीजों के बारे में और बात करेंगे। एक तो 2×2 कंटिजेंसी टेबल में काई स्क्वायर की गणना कैसे की जाती है, और दूसरा एड्स करेक्शन के बारे में। 2×2 कंटिजेंसी टेबल क्या होता है? जैसा आप जानते हैं कि जो फैक्टोरियल डिजाइंस होती हैं, ठीक है, रिसर्च में वो 2×2 हो सकती है, 2×3 हो सकती है, 3×3 हो सकती है। मतलब जब हमारा जो डेटा का अरेंजमेंट है ना, वो दो वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स के दो लेवल्स, दो वेरिएबल्स होते हैं और दोनों के दो दो लेवल्स होते हैं, तो 2×2 टेबल बनती है। जैसे यहाँ पे जेंडर एक वेरिएबल है जिसका मेल और फीमेल दो लेवल्स हैं, और फैकल्टीज दो एक वेरिएबल है जिसमें साइंस और कॉमर्स दो फैकल्टीज हैं। तो ये एक वेरिएबल के दो लेवल हो गए, ये दूसरे वेरिएबल के दो लेवल हो गए। तो इससे जो डेटा का चार्ट बनेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनेगा, वो इस तरीके का बनेगा। तो यहां पे 2×2×2, ये 2×2 कंटिजेंसी टेबल कहलाता है। तो अब हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं, मान लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूशन मिला और हम ये देखना चाह यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इनमें जो अंतर है, ठीक है, वो अंतर सार्थक अंतर है या बाई चांस है ना। तो ये जो अंतर है वो सार्थक है या बाई चांस है, ये हम टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका तरीका क्या होता है, 2×2 कंटिजेंसी टेबल में काई स्क्वायर कैसे टेस्ट होता है? काई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला था एन और AD माइनस BC का होल स्क्वायर अपॉन AB प्लस CD प्लस AC प्लस BD। इसमें ये सेल्स हैं AB CD, ठीक है, ये AB कहलाएगा, ये CD कहलाएगा, ये AC कहलाएगा, ये BD कहलाएगा, ठीक है, ये जो सम है। और AD ये डायगनल हो गया AD, और BC ये BC हो गया डायगनल, ठीक है। तो इस पे बस वैल्यूज रख देनी है आपको, जैसे n की वैल्यू 200 है यहाँ पे, AD की वैल्यू में a की वैल्यू 80 है और d की वैल्यू 50 है, माइनस b की वैल्यू 40 है और c की वैल्यू 30 है ना, इसका होल स्क्वायर। और एक ये AB 120 है, CD 80 है और AC 110 है और BD 90। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 16.498 आएगा। और इस तरीके से ये काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इस काई स्क्वायर वैल्यू को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखेंगे। ये 2×2 कंटिजेंसी टेबल है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ टू कॉलम्स हो गए, टू रोज हो गए, तो कॉलम C-1 × R-1। तो दोनों की वैल्यू 2 − 2 − 1 − 2 − 1, तो 1 × 1 = 1। तो 1 पे अगर हम 1 की डिग्री ऑफ फ्रीडम पे टेबल में वैल्यू देखेंगे तो हमें मिलेगा 0.05 पे 3.841 एंड 0.01 पे 6.635, ठीक है। और ये वैल्यू सबसे बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो वितरण है इसमें सार्थक अंतर है, मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज में और जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं इनमें सार्थक अंतर है। तो हम यहाँ पे 2×2 कंटिजेंसी टेबल में काई स्क्वायर की गणना इस तरीके से कर सकते हैं। एड्स करेक्शन क्या होता है? देखिए, ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है, ठीक है, इसका इस्तेमाल फ्रीक्वेंसीज पे किया जाता है, और बहुत कम फ्रीक्वेंसीज होती हैं तब भी किया जा सकता है। तो अगर किसी भी सेल में, ये सेल है 1, 2, 3, 4, या अभी पहले जो आपने एग्जांपल्स देखे उसमें ज्यादा सेल हो सकते हैं, ठीक है, तो किसी भी सेल में फ्रीक्वेंसीज की संख्या 5 से कम है तो उसमें एड्स करेक्शन लगाना पड़ता है। तो 5 से कम अगर फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे यहाँ पे 80 की जगह 5 होता है, तो हमें एड्स करेक्शन, 5 से कम होता है, ठीक है, तो हमें एड्स करेक्शन लगाना पड़ता है। तो एड्स करेक्शन, ये तो तरीका है, 2×2 कंटिजेंसी टेबल हो तो उसमें एड्स करेक्शन ऐसे लगाया जाता है। और बाकी जो 3 हाइपोथेसिस टेस्ट करना आप जानते हैं,
है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन के हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समिशन एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर अपन एफ ई, ठीक है। तो जहां पे ये फॉर्मूला लगता है उसमें हम फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, माइनस पॉइंट फाइव कर देते हैं, ठीक है। माइनस पॉइंट फाइव का मतलब ये है कि यहां बेसिकली डिफरेंस लेना है और डिफरेंस में से माइनस पॉइंट फाइव करना है, ठीक है। अगर ये वैल्यू माइनस में आए तो ये माइनस माइनस जोड़ेगा नहीं, यहां पे हमें डिफरेंस लेना है और डिफरेंस में से माइनस पॉइंट फाइव करना है, तो घटाना है हर हालत में, ठीक है। और उसका स्क्वायर अपॉन एफ ई, फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड, मतलब जो बाकी तो सब वैल्यूज वही हैं, कहने का मतलब ये है एफ ओ माइनस एफ ई में से पहले पॉइंट फाइव घटाएंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे और एफ ई से भाग देंगे, फिर हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो ये करेक्शन टर्म है, ये करेक्शन किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे करेक्शन क्या होता है, टू इंटू टू कंटिजेंसी टेबल में देखिए फॉर्मूला ये का यही है, खाली यहाँ पे ये इसके बाद स्क्वायर करने से पहले एन माइनस टू का डिविजन को घटाया जाता है इसमें से, तो एन माइनस टू घटा करके उसके बाद स्क्वायर करते हैं, तो फॉर्मूला बनता है ए डी माइनस बी सी माइनस एन बाई टू का होल स्क्वायर इंटू एन डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी इंटू ए प्लस सी इंटू बी प्लस डी। इस तरीके से ये एड्स करेक्शन लगा सकते हैं। इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब काई स्क्वायर में फ्रीक्वेंसीज बहुत कम होती हैं। थैंक यू वेरी मच।